छठे सवाल का बी पार्ट, वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन। रानी का जो वेट है वो 450 न्यूटन है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। फाइंड हर मास, उसका मास काउंट करें, ठीक है, यानी जमीन के सरफेस के ऊपर रानी है उसका वेट कितना है, कितना है पूरी में 560 न्यूटन, 450 न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब क्या है, वेट का मतलब है जमीन जिसको अपनी तरफ इतनी फोर्स से खींच रही है। तो बताइए इसका मास क्या है, ये सवाल है। तो वेट दिया हुआ है आपको 450 न्यूटन और मास आपको मालूम करना है। तो सरफेस पर हमने की वजह से उसके जी की वैल्यू कितनी लगेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर है एम इंटू जी। डब्ल्यू की जगह आप क्या लिखोगे, 450। मास आपको मालूम करना है और जी की जगह क्या लिखोगे, 9.8। 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे 450, ये नीचे आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 बराबर है किसके, मास के। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद देखा तो देख जीरो बराबर 4500 ऊपर 98 नीचे इज इक्वल टू मास के। 4500 को 98 से क्या करना, डिवाइड कर। 4500 डिवाइडेड बाय 98 जवाब आ गया 45.9। मास कितना आ गया, 45.9 केजी। तो 45.9 का मतलब लगभग 46 केजी की है वो लड़की, उसका मास कितना है बताइए। इस नंबर 155, ठीक है। इफ यू स्टेप ऑन अ स्केल, आप करते हैं एक स्केल पर यानी तराजू पर, एंड इट गिव्स रीडिंग 55 केजी, और वो आपको कहता है कि आपकी जो मास है वो 55 केजी। इज दैट अ मेजर ऑफ योर वेट, क्या ये आपके वेट का मेजर है, इफ़ नॉट देन विच फिज़िकल क्वांटिटी इट शो। अगर ये वेट नहीं है तो फिर ये क्या है आपके ख्याल में, ये जो 55 केजी आप इस तराजू पे चढ़ते हैं वो बताता है वो कि 55 केजी आया है, ये आपका वेट होता है, वेट नहीं होता बल्कि क्या होता है, मास होता है। वेट क्या होता है, ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को जितनी कुव्वत से खींचती है वो वेट होता है, और जो आपके बॉडी के अंदर जितना मटेरियल है वो मास होता है। तो 55 केजी क्या होता है, मास। तो इसके जवाब में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट वेट, इट इज़ मास ऑफ द बॉडी, बस इतना सा जवाब हो गया। ठीक है, ये हो गया आठवें का भी। अब हम आ गए नवें सवाल पर, नवें सवाल के अंदर भी न्यूमेरिकल नहीं है, दसवीं में भी न्यूमेरिकल नहीं है। बल्कि दसवां सवाल करना चाहिए हमें, इफ़ एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ बाई यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी आर ई रेडियस ऑफ अर्थ और जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, देन फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। आपको याद है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ये ज़मीन है
इस ज़मीन का ये जो रेडियस है ये आर ई है, इसका जो मास है वो एम ई है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट जी ई है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस सतह पर जी की वैल्यू मालूम करें कह रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने इसको ऐसे हैंडल किया था, इसका जो वेट है वो एम जी के बराबर होता है क्योंकि इसका मास हमने क्या माना था एम, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैपिटल जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर के बराबर थी। और ये वाली चीज़ इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इसमें ये वेट भी ज़मीन की कुव्वत है और एफ भी ज़मीन की कुव्वत है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। एम जी बराबर है कैपिटल जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, तो ये वाला एम से ये वाला एम, तो जी की वैल्यू क्या निकल गई थी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आखिर में जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल का जो दूसरा पार्ट है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब वो कह रहे हैं जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी आप ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, बीच में पहुँच गया ज़मीन के, तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, इस फार्मूले में आर ई कम हो रहा है, आर ई क्या हो रहा है, जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे आर ई क्या हो रहा है, आर ई का और जी का रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर ई कम होगा तो जी बढ़ेगा, जैसे जैसे अंदर आता जाएगा जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे अंदर आ रहा है ना ज़मीन का मास भी क्या होगा, अब ये वाला मास अप्लाई होगा, जब ये अंदर आएगा तो अब कौन सा मास अप्लाई होगा, ये वाला मास अप्लाई होगा, जब ये बीच में आ जाएगा तो मास अप्लाई नहीं होगा, मास भी क्या हो गया ज़ीरो, और आर ई भी क्या हो गया, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये बात बी के जेल में आएगी, पता चल गया ज़ीरो क्यों होगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अंदर आता है अगरचे के रिलेशनशिप आप ये देखें कि आर ई और जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जैसे जैसे आर कम होगा जी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बात यह है कि सिर्फ आर कम नहीं हो रहा है, मास भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जब वो अंदर जाता है तो उसके जो ऊपर वाला मास है वो अप्लाई नहीं होता, सिर्फ अंदर वाला मास अप्लाई होता है, लेकिन जब वो बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा तो मास क्या होगा, कोई भी अप्लाई नहीं होगा, तो मास भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, हर चीज़ क्या होगी, ज़ीरो हो गई, तो जी की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बात क्लियर हो गई, बता रहे हैं इसे कि आठवें का बी के दोनों पार्ट हो गए। जी जी, अ प्लैनेट हैज़ मास फोर टाइम्स ऑफ अर्थ, ग्यारहवां सवाल, यानी एक प्लैनेट ऐसा है जो अर्थ के मुकाबले में चार गुना बड़ा है, ज़्यादा है उसका मास, एंड रेडियस टू टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और जो रेडियस है वो दो गुना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ऑन द प्लैनेट। तो ये कह रहे हैं ये ज़मीन है, इस ज़मीन का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें जी की वैल्यू कितनी है, 10। ये ज़मीन का मास ऑफ अर्थ है और ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, फिर वो कहते हैं कि इसके मुकाबले में चार गुना बड़ा कोई जो है वो प्लैनेट है दूसरा, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उसका जो मास है वो कितना है, चार गुना मास है अर्थ के मुकाबले में इसका, और रेडियस कितना है, दो गुना रेडियस है, तो अब बताइए जी की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझ में आ गया, ज़मीन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ जी की वैल्यू 10 है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्लैनेट पर रखा है जिसका मास ज़मीन के मास के मुकाबले में चार गुना ज़्यादा है और जिसका रेडियस
दो गुना ज़्यादा है, तो अब बताइए वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा जी की वैल्यू आपने फार्मूले में क्या निकाली थी, कैपिटल जी एम ई सॉरी अंडर रूट तो नहीं था ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये निकाली थी। ये जी की वैल्यू कहाँ पर है, अर्थ पे, सही है। अब हम जी की दूसरी वैल्यू कहाँ निकाल रहे हैं, प्लैनेट पे। तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट होगा, मास उस प्लैनेट का लेंगे, उस प्लैनेट का मास क्या है, फोर ऑफ मास ऑफ अर्थ, और रेडियस का स्क्वायर, ज़मीन का ये था, इसका रेडियस कितना है, टू आर ई का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई आपको, तो ये जी की वैल्यू कहाँ निकल रही है, प्लैनेट पे। जी ऐसे लिखा, फोर ऐसे लिखा, एम ई ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय दो की पावर दो का मतलब चार, और आर ई स्क्वायर ऐसे आ गया, चार से चार कट गया। जी पी यानी जी की वैल्यू उस प्लैनेट पे बराबर होगी किसके, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और आप जानते हैं ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके बराबर है, जी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट पे भी जी की वैल्यू वही होगी जो ज़मीन के प्लैनेट पर जी की वैल्यू होगी। अगर जैसे कि वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसके बड़ा होने से दो फर्क पड़े ना, रेडियस भी बड़ा हुआ है, रेडियस बड़ा होता है तो रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सिर्फ मास बड़ा होता तो क्या होता, जी बढ़ जाता, लेकिन रेडियस के बड़े होने से जी कम होना शुरू हुआ। तो पता चला उस प्लैनेट पर भी जी की वैल्यू वही होगी जो ज़मीन के प्लैनेट पर है, उतार लीजिए।